नमस्ते साथियों, पूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय शब्द क्या होते हैं इस बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। क्या होते हैं पर्यायवाची? ऐसे शब्द जो किसी एक अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हो तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम जल की बात करें तो जल के लिए हम पानी का भी प्रयोग करते हैं, नीर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पानी, नीर, चलिए सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से आकाश के लिए आसमान, गगन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये है पर्यायवाची शब्द। तो कुल मिलाकर पर्यायवाची शब्दों को देखें तो ये समानार्थक शब्द होते हैं, अर्थात एक दूसरे के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। तो हम बात करते हैं इन्हीं शब्दों की, तो इन्हीं शब्दों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, पूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। इस वीडियो की यही विषय वस्तु है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण पर्याय शब्द की। तो पूर्ण पर्याय शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो वाक्य में एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हो तो उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न होता हो, पूर्ण पर्याय शब्द कहलाते हैं। कहने का आशय यह है कि ऐसे शब्द जो वाक्यों में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाए तो भी उस वाक्य में अर्थात उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को पूर्ण पर्याय शब्द कहा जाता है। यहां पर देखिएगा उदाहरण, इससे हम और भी अच्छी तरह समझेंगे। जल और पानी, ये दोनों पूर्ण पर्याय शब्द हैं, क्योंकि यदि हम वाक्य में प्रयोग करें कि मेरे लिए एक गिलास जल ले आओ, ठीक है, और इसी वाक्य में यदि हम प्रयोग करें कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो दोनों वाक्यों में जो अर्थ की हम बात करें तो कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से यहां देखिएगा आगे विष और जहर, ठीक है, तो इनके लिए यदि वाक्य में प्रयोग करें तो जहर की जगह विष का प्रयोग किया जा सकता है और विष की जगह जहर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तो वाक्य में अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से ज्वर और बुखार की बात करें, उदाहरण के लिए बालक को बहुत तेज ज्वर है, या इसी वाक्य को हम ऐसा बोले बालक को बहुत तेज बुखार है, तो ज्वर के स्थान पर बुखार या बुखार के स्थान पर ज्वर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और अर्थ में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे शब्दों को हम पूर्ण पर्याय शब्द कहते हैं। तो साथियों, पूर्ण पर्याय शब्दों की बहुत लंबी सूची है, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जा सकते हो उन्हें पूर्ण पर्याय शब्द कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं अपूर्ण पर्याय शब्द की। तो ऐसे शब्द जो देखने में उनका अर्थ समान लगता है किंतु जब उनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो अर्थ में काफी अंतर आ जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता होती है। कई बार जानकारी के अभाव में ऐसे शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिया जाता है जिससे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो ये अपूर्ण पर्याय जो शब्द हैं वो देखने में तो लगभग समान लगते हैं, समान अर्थ को प्रकट करने वाले लगते हैं, किंतु होता यह है कि इन दोनों में, दोनों के अर्थ में काफी अंतर होता है और इनका बड़ी सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। आइए उदाहरण देखते हैं। यहां पर देखिएगा अस्त्र शस्त्र, ठीक है, तो अस्त्र और शस्त्र में अंतर है, लगता है देखने में कि अस्त्र और शस्त्र मिला के हथियार ही है, किंतु ये हथियार तो है किंतु इनके अर्थ में अंतर है। अस्त्र वे होते हैं जिन्हें हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, उदाहरण के लिए हम बात करें तीर कमान की, ठीक है, या बात करें भाला की, तो ये क्या है, अस्त्र है जिनको फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है, मतलब शत्रु पर फेंक करके आक्रमण किया जाता है। किंतु हम बात करें शस्त्र की, तो शस्त्र वे होते हैं जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं, जैसे गदा, तलवार, इनसे हाथ में रख करके शत्रु पर वार किया जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं शस्त्र। अब दोनों के अगर वाक्य बनाए हम मान लो, तो यहाँ वाक्य देखिएगा, महाभारत काल में गदा एक महत्वपूर्ण शस्त्र था, तो यहाँ पर शस्त्र का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ गदा आया है।
किंतु यहां पर से हम ये कहें कि महाभारत काल में गदा एक महत्वपूर्ण अस्त्र था, तो ये वाक्य में जो अर्थ में अंतर आ जाएगा, क्योंकि देखने में तो ये लग रहा है कि दोनों का अर्थ एक सा है, किंतु यहां पर गदा जो है वो अस्त्र नहीं है, वो क्या है, शस्त्र है। यदि हम शब्दों के सूक्ष्म अंतर को देखें, उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर को देखें, तो आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो आपको निश्चित तौर से जो बहुत सारी व्याकरण की पुस्तकें हैं, भाषा से संबंधित पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए, तो इन शब्दों में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा प्रेम और स्नेह, इन दोनों शब्दों में लक्ष्य तो समान है, किंतु इन दोनों में अंतर है। प्रेम बराबरी वालों के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका के मध्य के बीच को जो प्रेम है उसके लिए प्रयोग करते हैं, किंतु जो स्नेह की हम बात करें तो छोटे बच्चों के प्रति जो हम एक लगाव को प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम स्नेह कहते हैं, तो इनमें भी अंतर होता है, ठीक है। और इसी तरह के यहाँ पर देखिएगा ठोकर और टक्कर, तो ठोकर और टक्कर में अंतर है। ठोकर यदि चलते चलते मान लो किसी पत्थर से हम टकरा जाएं तो ऐसी स्थिति उसे हम ठोकर कहते हैं, किंतु टक्कर दो वाहनों के आपस में आमने सामने भिड़ंत हो जाए उसे टक्कर कहते हैं। तो इस तरह से इनके अर्थ में भी अंतर है, और जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो सोच समझ कर हमें करना चाहिए। यदि एक ही वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा तो फिर अर्थ सही नहीं निकल पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, यदि हम वाक्य ऐसा बनाते हैं और इसी में टक्कर के स्थान पर हम ठोकर का प्रयोग करें तो बस और ट्रक के बीच जोरदार ठोकर हुई, तो यहां पर वाक्य गलत हो जाएगा, यानी सही अर्थ नहीं निकलेगा। तो इन दोनों में अंतर है, देखने में तो लग रहा है कि लगभग समान शब्द है किंतु इनके प्रयोग में अंतर है। तो निश्चित तौर से आप समझ गए होंगे कि पूर्ण पर्याय शब्द वे होते हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि अपूर्ण पर्याय वे होते हैं जो देखने में तो लगभग समान लगते हैं, उनका अर्थ समान लगता है, किंतु जब उनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है तो अर्थ बदल जाता है या सही अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्दों को हम अपूर्ण पर्याय शब्द कहते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।